नमस्कार दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल अर्थ सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके मेरे पास एक कॉइल प्लेट असेंबली है TVS स्टार स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल जो है वो, ठीक है फ्रेंड। TVS स्टार सिटी में भी लगती है, TVS स्टार स्पोर्ट में भी लगती है, और भी एक दो बाइक हैं उनमें भी लगती है ये कॉइल प्लेट, ठीक है। वो जो देख रहे हो आप, यानी कि ये जो कॉइल प्लेट है फ्रेंड, ये कॉइल प्लेट है पुरानी कॉइल प्लेट, यानी कि ये नई डाला हुई है। और इसमें जो देख रहे हो फ्रेंड, ये जो कॉइल प्लेट है ये नई है, ठीक है ना। ये स्टार TVS स्टार की कॉइल प्लेट है, वो सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल है, ये विदाउट सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट है, यानी कि वो थोड़ा अलग मॉडल की है, वो ये जो है नई, ये अलग मॉडल की है। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताऊँगा आपको कि यानी कि ये जो कॉइल प्लेट असेंबलियाँ होती हैं, अगर ये ख़राब होती हैं तो कैसे चेक करें, और सही होती है तो हम कैसे पता करें, ठीक है ना। यानी कि कैसे चेक कर सकते हैं हम कॉइल ख़राब है या सही है, ठीक है फ्रेंड। एक साइड नई है और एक साइड पुरानी है, और मैं ये मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले तो हमको मल्टीमीटर की कनेक्टिविटी सही करनी है, यानी कि जहाँ पर हमको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पर जो होता है ना, यानी कि ये जो वी देख रहे हो वोल्टेज 200 पे, तो ये बैटरी के वोल्टेज चेक होते हैं, और इस पे यानी कि करंट कितना निकाल लिया है रेगुलेटर, ये भी चेक होता है, ठीक है, इस 200 पे, यानी कि 200 नहीं 20 वोल्टेज पे, ठीक है। बाकी हमें जब कॉइल चेक करनी होती है, कॉइल टेस्ट करनी होती है फ्रेंड, तो हमको ये दो कनेक्टिविटी करनी होती है, देख रहे हो, एक ये हो गई, ये यानी कि कनेक्शन, यानी कि तार में कहीं कर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि माना कि मैंने, अब यहाँ पे ये तीर का निशान देख रहे हो, मीटर की सेटिंग बता रहा हूँ आपको, ये तीर का निशान है यहाँ पर इस जगह पर। अब इस जगह पर हमको क्या चेक करना है, कोई सी भी वायर को चेक कर सकते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि कोई तार का कट लगा हुआ है बीच में और हम उस वायर को चेक करें तो हमें कैसा लगेगा। तो फ्रेंड देख रहे हो, ये मीटर इस टाइम ऑन है, यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम ये आपस में टच करेंगे तो नंबर आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ नंबर ही शो होते हैं इसमें, और कुछ शो नहीं होता कनेक्टिविटी चेक करने में, ठीक है। यानी कि बाइक का कोई सा भी वायर है वो बीच में टूटा हुआ है, तो उस पर अगर हम टेस्ट करेंगे, एक दूसरे कोने पे लगाएंगे और एक दूसरे कोने पे, यानी कि एक उल्ले कोने पे एक पल्ले कोने पे लगाएंगे छील के वायर को, और अगर हम तार लगाएंगे इस हिसाब से, तो अगर वो तार जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे नंबर शो होंगे इसमें, और अन्यथा अगर कट लगा हुआ हुआ तो नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मानो कि मैं अभी एग्जांपल के तौर पर आपको इसमें दिखाता हूँ कि यानी कि ये जैसे रेड वायर है, यानी कि आप देख रहे हो कि हल्का फुल्का रेड वायर है ये, यानी कि ये जो है ये हल्का रेड वायर है, वो सॉकेट में जो रेड वायर है, सॉकेट में है रेड वायर ये, ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम इसको चेक करते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कनेक्ट किया और एक रेड वायर लगाया मैंने यहाँ पर, तो देख रहे हो फ्रेंड के मीटर में नंबर शो हो रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा कि मीटर में नंबर शो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने वायर लगाया ये, तो देख रहे हो आपके इसमें नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये वायर यानी कि सही है वायर, ठीक है। और ऐसे ही चेक देखो, ये तो वायर का ऐसे, ये जो इस सिग्नल पे तो बहुत कम टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर सिग्नल पे टेस्ट होते हैं, यहाँ पर भी ये सिर्फ साउंड चेक होता है, यानी कि वायर सही है या ख़राब है। जैसे कि माना कि अभी हम इस वायर को चेक करें, यानी कि जो मैंने अभी करी है, देखो एक वायर तो मैंने यहाँ पर लगाया इसका तार मल्टीमीटर का, और एक तार लगाया मैंने यहाँ पर, तो देख रहे हो फ्रेंड साउंड आ रहा है और थोड़े नंबर भी चले थे, ठीक है। अभी हटाया फिर साउंड आ रहा है, बाकी अगर और किसी वायर पर लगाऊंगा तो साउंड नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो जो वायर है वो सिर्फ यही वायर है, तो वायर है सही, ठीक है ना। वायर अगर कहीं से कट लगा हुआ होता तो साउंड नहीं आता, ठीक है। फिलहाल इस हिसाब से वायर चेक होता है। और मैं जो बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि कॉइल प्लेट कैसे चेक करते हैं। देखो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम अधिकतर जो कॉइल में जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग कॉइल की ही प्रॉब्लम होती है। कॉइल की जो चेकअप, यानी कॉइल को भी जो चेक करते हैं, वो भी इसी फंक्शन पे करते हैं, दोनों फंक्शन में। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फंक्शन है ये साउंड वाला फंक्शन है, उससे दूसरे नंबर पर है ये वाला, ठीक है। ये बहुत कम होता है, और ये स्पीकर वाला दिख रहा है निशान, यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो कॉइल भी हमको जो चेक करनी है, ये भी फ्रेंड इसी हिसाब से करनी है हमको, कि इसे हमें यहाँ पर रखना है। जैसे कि कॉइल प्लेट, ये देख रहे हो कि ये ख़राब कॉइल प्लेट है, क्योंकि ये एकदम उसका, ये मैंने जो कॉइल प्लेट निकाला था जिस बाइक का, उस
उसका जो है ना मैग्नेट के जो बोल्ट होते हैं, हालांकि यानी कि मैग्नेट में जो लगे हुए बोल्ट होते हैं सेल्फ वेयरिंग वाले, वो बोल्ट खुल गए थे, तो खुल के वो इसमें टच हो गए थे, तो ये जो कॉइल थी ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने कॉइल इसमें नई डाल दी थी, बैरो कंपनी की कॉइल इसमें नई डाली थी, ठीक है। तो ये इस टाइम कॉइल ख़राब है, और इसको देखो टेस्ट करता हूँ मैं, एक इस तार पर लगाते हैं ये जो वायर देख रहे हो आप, और एक ये रेड वाला, क्योंकि ये करंट के ही वायर होते हैं जो मैग्नेट करंट निकालता है, ठीक है फ्रेंड। एक मैंने यहाँ पर लगाया और एक लगाया यहाँ पर, तो फ्रेंड देख रहे हो कि कोई सिग्नल नहीं आया, ठीक है फ्रेंड। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो अभी साउंड भी आ रहा है, ठीक है। बाकी और इसमें फ्रेंड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। बाकी देखो अभी ये जो मैंने चेक किया तो इसमें प्रॉब्लम शो हो रही है, और यानी कि इसमें ये जो साउंड की प्रॉब्लम, साउंड जो आ रहा है मल्टीमीटर में, साउंड नहीं आ रहा है। अब करते हैं नई वाली चेक, ठीक है फ्रेंड। इस कॉइल को मैंने यहाँ रखा, मल्टीमीटर थोड़ा हटा दिया, हटा के यहाँ रखा, और मैं इसको निकालता हूँ नई वाली, ये जो है TVS स्टार की ओल्ड मॉडल, यानी विदाउट सेल्फ स्टार्ट जो है उसकी ये कॉइल प्लेट असम्बली है, और इस ये जो है मास्टर कंपनी की है, जो कंपनी से लगा आती है TVS में, और ये देख रहे हो प्राइस का 535 रुपये इसका प्राइस है फ्रेंड। ये डब्बा रखा मैंने यहाँ पर, और ये रही इसकी कॉइल, ठीक है फ्रेंड। बाकी पन्नी वन्नी सब वहाँ पर रख दी, ये है इसकी फ्रेश नई कॉइल। अगर हम इस कॉइल को चेक करेंगे तो फ्रेंड देखो ये कॉइल ख़राब है या सही है, तो ये देख लो आप, दो वायर हैं इसमें, एक ये रेड ब्लैक है, वो इधर भी रेड ब्लैक है, इसमें थोड़ा लाल ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ब्लैक ज़्यादा है, तो फ्रेंड यही आउटपुट करंट की होती है वायर, यानी कि स्टार्टिंग करंट जो निकालता है वो यही कॉइल निकालता है और यही वायर निकालता है, ठीक है फ्रेंड। मल्टीमीटर की कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखा दी कि साउंड पर रखनी है मल्टीमीटर की कनेक्टिविटी, और इसकी जो वायर है फ्रेंड इसको इस हिसाब से चेक करना है। ये कॉइल प्लेट मैं इधर रखता हूँ इस हिसाब से, तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड कि ये यहाँ पर मैं इसको अब टच कर रहा हूँ, तो देख रहे हो इसमें फ्रेंड ये जो है 237 यानी कि 237 नंबर आ रहे हैं, यानी कि इसकी वायरिंग की जो बैंडिंग है 237 समथिंग है, ठीक है 237 इसमें नंबर आ रहे हैं। अगर हम किसी भी चार्जिंग कॉइल को, यानी कि ये जो स्टार्टिंग कॉइल है, किसी भी हम स्टार्टिंग कॉइल को चेक करते हैं तो उसमें कुछ नंबर ही शो होते हैं, इसमें साउंड शो नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें 237 238 आ रहे हैं, अगर हम बिना साउंड पे चेक करें, जैसे कि यहाँ पे अब साउंड नहीं है और यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिविटी चेक है, तो कनेक्टिविटी में क्या शो होता है देखते हैं, तो फ्रेंड कनेक्टिविटी में इसमें सिर्फ नंबर शो हो रहे हैं, बस नंबर चल रहे हैं, वो भी 0.3, ठीक है। अगर हम डुप्लीकेट में चेक करें इसको, यानी डुप्लीकेट में नहीं, ये जो ख़राब है, ख़राब में चेक करें तो ख़राब में फ्रेंड, ख़राब में कोई सिग्नल नहीं, और अगर हम साउंड पे चेक करें तो साउंड पे भी कोई सिग्नल नहीं, ठीक है। मल्टीमीटर से आप देख रहे हो कि मल्टीमीटर से कोई सिग्नल नहीं है, तो फ्रेंड देख रहे हो आप कि इसमें जो अक्सर जो कॉइल ख़राब होती हैं, कॉइल ख़राब जो होती हैं वो यही कॉइल ख़राब होती हैं अधिकतर, जो कॉइल ख़राब होती है वो स्टार्टिंग कॉइल ही ख़राब होती है जो इस हिसाब से चेक होती है। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, अगर किसी भी बाइक की अगर हम कॉइल चेक करते हैं तो 250 220 230 तक नंबर आते हैं स्टार्टिंग कॉइल में, अगर सही होती है तब, ठीक है फ्रेंड। इस हिसाब से आप कॉइल को चेक कर सकते हैं, अगर नंबर शो नहीं हो रहे हैं किसी भी स्टार्टिंग कॉइल में, जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस पल्टीना सी 100 और भी जो सीसी की बाइक हैं जिनमें स्टार्टिंग कॉइल लगी रहती है उन गाड़ियों में, अगर ये नंबर शो हो रहे हैं तो कॉइल ठीक है, अगर नंबर शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर 200 के समथिंग 200 के आसपास तो कॉइल ख़राब होती है, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें जो है देख रहे हो आप फ्रेंड कि ये जो कॉइल है ये कॉइल सही है, करेक्ट है, नई कॉइल है, और वो जो कॉइल है वो कॉइल है ख़राब, और उसमें जो कॉइल ख़राब है उसमें फ्रेंड कॉइल जो ख़राब है, ठीक है, ये जो पुरानी कॉइल जो है इसमें जो ख़राब है सिर्फ ये जो देख रहा हूँ आपके, ये सिर्फ स्टार्टिंग कॉइल ही ख़राब है बस, और कुछ ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल्ट टच हुए थे ये वायरिंग टूट गई है और अच्छे तरीके से टूट चुकी है वायरिंग, ठीक है फ्रेंड। तो इस हिसाब से आप कॉइल को चेक कर सकते हैं, और उम्मीद है फ्रेंड वीडियो समझ में आई होगी आपको, क्योंकि आप इस तरीके से फॉल्ट को क्लियर भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं भी आएगी बाइक। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, और अगर आज फिर अपने नए हो जाने को सब्सक्राइब करने वाला एक नया बटन जरूर दबाएं, और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, ओके फ्रेंड बाय।